नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल मेदने है और मेरा ईएससी 2017 में 68 रैंक आया है मैकेनिकल ब्रांच से। और मैं यहाँ जो अपनी धीरज ने जैसे बताया माई स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। या आपने आपको एग्जाम में कौन से चीज़ों से आपका एडवांटेज मिलेगा वो मैं चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से। मेरा पूरा जो एजुकेशन है, मेरे 10th तो गांव 10th तक मैंने मेरा गांव से स्टडी किया है। उसके बाद मैंने आफ्टर 10th मैंने पॉलिटेक्निक किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट मैंने इंजीनियरिंग किया है, वो भी प्राइवेट कॉलेज से, नासिक से किया है। मैं 2014 का पास आउट हूँ। तो मुझे 2014 में पता चला गेट के बारे में, गेट और ई सी के बारे में तो बाद में थोड़ा सा ही पता चला था, लेकिन बाद में थोड़ा मैंने रिसर्च करके पता कि कैसे कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले मैंने गेट का प्रिपरेशन चालू किया 2014 में। तो मेरे इतने मैं तो क्वालिफाई हो गया था 2014 में गेट। तो मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आने आए थे कि जो मुझे IIT में एडमिशन दिला सके या फिर NIT में एडमिशन दिला सके या तो PSU दिला सके। तो गेट में आपका इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है रैंक। तो रैंक मेरा गेट में, गेट एग्जाम में कभी नहीं आया। फिर मैंने एक ईयर गैप लेके गेट 2015 के लिए प्रिपेयर किया। फिर गेट 2015 के बेसिस पे मैंने UNG से मैं इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने आगे केयर गैप लेने का सोचा और EAC अपना गेट 16 का प्रिपरेशन किया। गेट 16 में मेरे मार्क्स ये गेट 15 से भी कम आ गए, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया। और काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि हम स्टेज के बाद काफ़ी लोग एग्जाम्स छोड़ देते हैं या नहीं करते, फिर कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लेते और स्टडी करते बैठते। और आपको तो पता है अगर कोई जॉब पकड़ लिया तो जॉब के साथ साथ स्टडी काफ़ी मुश्किल होता है। कर सकते हैं लोग, ये बात अलग है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है, फिर आपका काफ़ी समय चला जाता है उसमें। तो फिर मैंने जब गेट 16 का रिजल्ट आया और काफ़ी कम मार्क्स आए मेरे, उसके बाद मैंने चालू किया अपना प्रिपरेशन EAC 16 का चालू किया। EAC 16 में भी मैं जस्ट फरवरी से जब मई में एग्जाम था तो 2-3 महीना मिला था मुझे प्रिपरेशन के लिए, तो उतने में तक आज तक कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने EAC 17 का प्रिपरेशन चालू कर दिया। EAC 17 में सिर्फ उसके बाद EAC 17 में जैसे EAC 16 तक इंग्लिश वगैरह और जनरल का था, तो EAC 17 में जैसे जनरल था लेकिन अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड था और इंग्लिश नहीं था उसमें। तो बस इसी चीज़ का मुझे एडवांटेज मिला और मैं प्रिपेयर करते गया। प्रीलिम टैकल किया, मेंस टैकल किया। मेंस का प्रीलिम्स का तो मुझे प्रीलिम्स का पिछले साल के क्वेश्चंस देख लो आप, सबसे पहले पिछले साल के क्वेश्चंस वगैरह देख के बस, और रेफरेंस बुक से भी देख लो। रेफरेंस बुक का भी एक बार पढ़ के जाओ, जो भी UPSC के सबसे पहले UPSC की जो सिलेबस कॉपी है वो आप रीड करो और उससे सब पढ़ते जाओ, उससे कौन सा टॉपिक है, फिर इस टॉपिक से इस बुक से उस तरह पीकेनाक लिया तो पीकेनाक से सब पढ़ लो ऐसा। तो और मेंस का सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स तो आप सबसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन से वगैरह तो कर लेते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें EAC में मेंस जो कि 600 मार्क्स का है। 600 मार्क्स में तो फिर आप सपोज आप मैंने जो दिया था EAC 17 के लिए आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर पूरे 2-3 बार सॉल्व करके देखो, बिना ना देखे आंसर्स मत देखो उसके, सब अपने हिसाब से देख के चलो और प्रैक्टिस करते रहो 10 साल के क्वेश्चन की, और स्पेस कम करते चलो क्योंकि क्वेश्चन को क्योंकि आप में आपको स्पेस लिमिटेड रहता है, इसलिए आप और स्पेस लिमिटेड होता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती हो, इसलिए आप प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। इसलिए 2-3 बार अगर सॉल्व करोगे आप तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये काफ़ी मोनोटोनस लगेगा ये कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 बार सॉल्व करो। जब आप एग्जाम लिखोगे तब आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये 2-3 बार प्रैक्टिस करके मुझे क्या मिला। तो जो आप जब एग्जाम लिखोगे तब आपको ये पता चलेगा। उसके बाद एग्जाम मेन्स एग्जाम का तो वही है, ज़्यादा ज़्यादा मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, ज़्यादा ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं और न्यूमेरिकल्स में ही आपके ज़्यादा मार्क्स निकलने के चांसेस होते हैं। 3 क्वेश्चन तो आपके कितना भी लिख लो पूरा मार्क्स मिलते नहीं है। फिर उसके बाद होता है जब मेंस क्लियर होता है तो उसके बाद आती है वेरी इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, वो है DAF, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में तो सब लोग ये टेंशन रहते हैं कि ये हॉबी का क्या करो, तो हॉबी आप ऐसी नेचुरल चुनिए। जैसे कि मैंने 10वीं तक तो मैं खेती करता था, पूरा मेरा एजुकेशन गाँव से हुआ, तो मेरे पापा की ग्रेप्स की खेती, तो मैं ग्रेप्स का मुझे बचपन से पता था कि क्या कैसा रहता है सब। जैसे कि मैंने बताया मैं नासिक से हूँ, तो नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो वही मैंने सब पता था मुझे कि कैसे कैसे, लेकिन ग्रेप्स को भी कैसे बताया जाए इंटरव्यू में ये भी मैंने प्रैक्टिस की थी। तो ये आप बताएं कि हॉबी एक आपकी यूनिक रखी है, और कोई भी अलग हॉबी होती है आपकी तो पूरा
प्रिपेयर करके जाइए उसके बारे में, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन अगर हॉबी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे और कई कई बार, और अगर पहले आपका इंप्रेशन गलत पड़ गया तो पूरा इंटरव्यू में आप कितना भी सच बोलो, कितना भी अच्छा टेक्निकल नॉलेज बताओ, वो कुछ आपका इतना खास इंप्रेशन नहीं डालते हो उसके बाद। तो मैंने अपनी हॉबी बताई थी ग्रेप्स कल्टिवेशन, तो मेरा ग्रेप्स और वो काफ़ी यूनिक थी, सबसे अलग थी, तो इसीलिए मैंने ग्रेप्स के बारे में सब बताया। और उसके बाद होता है इंटरव्यू में आप जो भी आपकी स्पेशलिटी वो फोकस करो आप डेप फॉर्म में। जैसे कि मैंने बताया कि 10वीं के बाद मैंने डिप्लोमा किया था, और काफ़ी यानी कम लोग डिप्लोमा करके स्टेज में आते हैं, मेरे ख्याल से इसी 17 में दो ही लोग हो गए, मैं वो और मिथिलेश है। तो डिप्लोमा के बारे में मैंने इसमें डैप में ऐसे बताया कि उसमें एक ऑप्शन रहता है आपने इंग्लिश लास्ट बार कभी पढ़ी है, तो काफ़ी लोग बताते हैं मैं 10th में 12th में, तो मैंने वहाँ डाला था डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में, मैंने लास्ट में इंग्लिश पढ़ा, तो वहाँ से मेरा वो हो गया। और सबसे पहले इंटरव्यू रूम में जब आप एंटर करते हो वो तो वह आपको 5-1 मिनट का गैप दिया होता है, तो इसी 5-1 मिनट में वो लोग आपके बारे में आपके डैप फॉर्म में पढ़ते रहते सब क्या गया, तो उन लोगों को आपकी सब एक पिक्चर उनके माइंड में क्रिएट हो जाता है वही। और वैसे ही आप अगर अच्छे से भरोगे तो वैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, यानी आपका इंटरव्यू आप खुद सेट कर रहे हो और बस जाके बोलना है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, बस मैंने वो जो क्वेश्चन डाले उसी में से सब क्वेश्चन पूछे गए। और ये भी इसलिए भी प्रिपेयर रहना कि मैं जो भी आपका ईयर गैप जा रहा है, बहुत से लोगों का ईयर गैप रहता है 1-2 साल 2 साल, जैसे कि मेरा लगभग 2.5 साल था, तो मैंने भी काफ़ी प्रिपेयर किया था इसके लिए, तो वो बात अलग है कि मुझे मुझसे पूछा नहीं, पर मैं इसके लिए भी प्रिपेयर था कि आप नर्वस मत जाओ, चाहे जो भी बहुत से लोग रहते हैं जिनका ईयर गैप रहता है, आप नर्वस मत हो जाओ उसके लिए, आप बस पॉजिटिव थॉट के साथ जाओ इंटरव्यू, कुछ नहीं होता है बस यही। लास्ट में तो बस जब भी इंटरव्यू रूम से बाहर आया तो बस मुझे लगा था इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से गया था मेरा, तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, उसके बाद जब इंटरव्यू लगा तो पता चला हो गया। जब आप मेंस का और इसका प्रिपरेशन करते हो प्रीलिम्स का, तो काफ़ी लोग आजकल काफ़ी यानी सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो टेस्ट सीरीज के बारे में और बहुत से लोग 2-3 क्लासेस के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बस एक ही क्लास की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या फिर दो की ज्वाइन करना हो तो पर एक सीरियसली लो, काफ़ी दो को आप ऐसे बिना प्रिपेयर जाओ, और आप कैसे बिना प्रिपेयर करके भी जाके कैसे आपको वहाँ परफॉर्म करके आओ, ये आपको परफॉर्मेंस इंडेक्स देखो। टेस्ट सीरीज में आपको बस यही ख्याल रखना है कि आप जो UPSC का जो सिलेबस है उस कॉपी में से आप पहले, जैसे कि आप SOM का स्टडी कर रहे हो, तो SOM में ये अपना UPSC ने क्या सिलेबस डाला है और मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके बारे में ध्यान रखिए। सब आपने आपने अगर क्लासेस वगैरह तो क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, और सिलेबस में से देख लीजिए कि क्लास नोट्स के अलावा और सिलेबस में ये पॉइंट है और क्लास नोट्स में ये कवर नहीं हो रहा है, तो मैं रेफरेंस बुक में से वो पॉइंट कवर कर लीजिए, और बस ये पॉइंट्स कवर होने के बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज में आप जितना प्रिपेयर करके उस क्वेश्चन पे आप पहले देखो, जितना आपने सपोज कोई क्वेश्चन है आपने प्रिपेयर किया था वो टॉपिक, और आपको वहाँ जाके आपने वो क्वेश्चन नहीं लिख कर पाया, तो उसके बारे में सोचो कि ये मत सोचो कि वो क्वेश्चन अलग था इस टॉपिक में से नहीं था, आप फिर घर रूम पे जाके वही क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो, यानी आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब बस जितना सिलेबस में दिए हैं उतने टॉपिक पढ़ के जाओ, उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज में बहुत बार क्या होता है, बहुत बोर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप वहाँ उसके पीछे मत लगो, आप अपने जो क्वेश्चन से अपना सिलेबस है सिलेबस में से जो टॉपिक्स कवर करो और उस टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और बस। और एक चीज़ है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं रिवीजन कैसे करूँ, रिवीजन होती नहीं, तो मेरा रिवीजन का पैटर्न ये था कि मैं हर संडे रिवीजन करता था, जो भी वीक में स्टडी किया है वो। तो आप अपने हिसाब से देखो, कुछ लोग हर रोज 2 घंटा शाम रात को सोने से पहले 2 घंटा रिवीजन करते हैं, कुछ लोग 3 दिन के बाद रिवीजन करते हैं 3-4 घंटा, तो आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन रिवीजन होनी चाहिए, हर एक वीक की रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप कितना भी पढ़ लो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। एंड द लास्ट, बस मैं यही बताना चाहूँगा कि आप बस हार्डवर्क करते रहिए, हार्डवर्क एंड योर कमिटमेंट योर कंसिस्टेंसी। मेरे बारे में अगर बताओ तो मेरा हार्डवर्क एंड मेरी कंसिस्टेंसी मेरे स्टडी में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा नहीं होएगा, इतने 2-3 साल हो गए तो क्या करूँ, मेरे साथ के जो लड़के उनको तो जॉब लग गया है, मैं क्या करूँ,
ऐसा आप ऐसा मत सोचो, आप पॉजिटिव हो, 2 साल चाहे 2 साल लगे 3 साल लगे बस डटे रहो। और मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि जो भी लड़के प्रिपेयर कर रहे हैं बस लगे रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।